वेलकम टू माय चैनल सुफला सैटिट्यूड एंड आई एम सुफला। आज मैं आप लोगों के साथ मेरा जो एक वीडियो है पहले ही जो मैंने बनाया था पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन के ऊपर, उसी से रिलेटेड जो मेरा सेकंड पार्ट है उसी की बात मैं करने वाली हूँ। एंड जो लोग वो वीडियो नहीं देखा है जाकर देख सकते हो, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। एंड वो पार्ट वन है एंड आज जो मैं बताने वाली हूँ वो पार्ट टू है। एंड मैंने प्रॉमिस किया था कि पार्ट टू मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन सॉरी मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरा बहुत अभी प्रेशर लोड बहुत ज़्यादा है मेरा, तो इसकी वजह से नहीं कर पाया, लेकिन मैं आज कर रही हूँ। एंड जो भी रिव्यू है ऑनेस्ट रिव्यू है, मतलब ये जिसके साथ हुआ है उन जो मेरा आंटी है उन्होंने किस तरीके से यूज़ किया वही बातें मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो उन्होंने किस तरीके से किया है सारा कुछ मैं शेयर करूँगी। एंड उनकी बहुत सारे जो पिगमेंटेशन उन पर हुआ था आप देख सकते हो यहाँ पर, तो वो जो पिगमेंटेशन है बहुत सारे डॉक्टर्स को उन्होंने दिखाया था, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर ने स्टेरॉइड जो क्रीम होती है वो उनको प्रिस्क्राइब किया था, लेकिन उससे उनका जो है पिगमेंटेशन नहीं गया, कभी तो गया है फिर वापस आया है, ऐसा हुआ है उनके साथ। उसके बाद हम लोगों ने, मतलब मेरा जो फ्रेंड की वाइफ है उनकी आंटीज़ है ये, तो वो मेरा फ्रेंड का वाइफ, उन्होंने उनको ये सजेस्ट किया, तो उन्होंने जस्ट ऐसे ही ट्राई किया कि देखते हैं बहुत सारे डॉक्टर ने दिखाया ये क्रीम कर सकता है क्या, तो ऐसे ही उन्होंने ट्राई किया और उसके बाद उनको जो मिला मैं क्या बताऊँ। एंड उनकी जो एक वीडियो क्लिप भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, शेयर करूँगी, ताकि आपको बिलीव हो कि वो सही है, ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल मतलब सच बात है, कोई झूठ नहीं है। एंड उन्होंने ट्राई किया एंड जस्ट क्या बताऊँ, तो उन्होंने, मैंने वहाँ पर दिखाया था उन्होंने कौन सा फेस वॉश यूज़ किया एंड उस फेस वॉश से किस तरीके से काम किया उनकी स्किन पर, मैंने सारे डिटेल्स वहाँ पर ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। एंड आज जो मैं बताऊंगी उस फेस वॉश को यूज़ करने के बाद आपको कौन सा डे क्रीम, कौन सा नाइट क्रीम, कौन सा टोनर जो यूज़ करना है, वो सारी बातें मैं आप लोगों से आज शेयर करने वाली हूँ। तो फेस वॉश के बाद आप लोगों को जो करना है वो है डे क्रीम। तो डे क्रीम हमें कौन सा यूज़ करना है चलिए वो देखते हैं। तो डे क्रीम के बारे में बताने से पहले मैं फ्रेंड्स आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि ये जो मेरा वीडियो है कोई पेड प्रमोशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस बेस्ड है, जो मैं आंखों से देखती हूँ, जो मुझे पता है, जो मैं सच बात जो देखती हूँ वही आप लोगों से शेयर करती हूँ, ठीक, ऐसा कोई पेड प्रमोशन ये नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस एंड मेरा जो भी आसपास लोग हैं उन लोगों की एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो ये जो डे क्रीम है ये एटीट्यूड का बी ब्राइट डे क्रीम है। इसका दो फॉर्म होती है, एक है नॉर्मल एक है हर्बल। फिलहाल जब पहले तो ये नॉर्मल ही मिलते थे, लेकिन अभी एक हर्बल, मतलब हर्बल ब्लेंड वाला आया है, जो मैं फेस वॉश में भी मैंने आप लोगों से शेयर किया कि एक नॉर्मल है फेस वॉश, एक हर्बल वाला है। एंड यही डे क्रीम के साथ भी है, एक नॉर्मल है एक हर्बल वाला है। तो वही मैं आप लोगों से बताऊँगी कि डे क्रीम में क्या है, ऐसा क्या है कि स्किन में पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन जो है वो रिमूव होती है, वो सारे बातें मैं आप लोगों से क्लियर कर। तो फ्रेंड्स देखिए ये है एटीट्यूड बी ब्राइट का डे क्रीम, आप देख सकते हो ये एटीट्यूड बी ब्राइट का डे क्रीम, ये नॉर्मल डे क्रीम है एंड इसमें लिखा हुआ है SPF 50, आप देख सकते हो, मतलब ये है एटीट्यूड की बी ब्राइट क्रीम लेकिन हर्बल ब्लेंड, ठीक। तो देखिए ये एटीट्यूड का बी ब्राइट डे क्रीम है, इसमें SPF 15 भी है, मतलब आप अगर बाहर भी जाते हो या घर में रहते हो तो इसको डे में यूज करना है। एंड ये आपकी स्किन को धूप से भी बचाएगी, मतलब SPF 15 है तो आप इसको यूज कर सकते हो घर में, अगर थोड़ा बहुत आप सनलाइट में जाते हो तो आप इसको यूज। इसमें क्या है देखिए, ये इसमें है लूमी स्किन, ये स्किन लाइटनिंग एजेंट जो हमारे सरफेस एरिया में हमारे स्किन को लाइटनिंग करती है एंड ब्राइटनिंग करती है, जो भी डार्क स्पॉट होती है उसको रिड्यूस करती है एंड ब्लेमिशेस जो भी है उनको क्लियर करती है। तो फ्रेंड्स ये है एटीट्यूड की बी ब्राइट डे क्रीम नॉर्मल वाला, इसमें है एलोवेरा जो हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करती है एंड उसको लॉक करती है। उसके बाद इसमें है रोज मेरी,
ये हमारे स्किन में एक नेचुरल ग्लो लाती है एंड स्किन को इवन टोन करती है। इसके अलावा इसमें है विटामिन ए सी एंड ई जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है, हमारे फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करती है एंड हमारी स्किन को यंग देखती है इसकी वजह से। हर्बल ब्लेंड भी हैं इंडियन पेनी रूट जो हमारी स्किन को कंडीशनिंग करती है। इसके अलावा है सैंडलवुड जो हमारी स्किन को डिटॉक्सिफिकेशन करती है, डार्क स्पॉट को क्लियर करती है। उसके अलावा है सी बाग थॉर्न जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। एंड फ्रेंड्स, इन्वायरमेंट में जो भी टॉक्सिन होते हैं उससे हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है ये क्रीम। ये क्रीम बहुत ही थोड़ा अमाउंट में लगती है एंड आप जब फेस वॉश करोगे तो उसके बाद अपने फेस को गीला ही रखना एंड इसको जस्ट थोड़ा सा अमाउंट में लेना एंड 5 डॉट्स में अपने पूरे फेस में आपको स्प्रेड करना है एंड देन इसको अप्लाई करना है एंड बहुत ही ईजिली ये स्प्रेड हो जाती है एंड बहुत ही कम अमाउंट में लगती है। एंड एक क्रीम आपको 6 मंथ मिनिमम 6 मंथ तक जाएगी। तो ये है डर्मेटोलॉजिकल इंटरेस्टेड सिलिकॉन फ्री एंड पैराबिन फ्री एंड सुइटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। धीरे धीरे यूज़ करने के बाद आपके जो भी स्पॉट है ये ठीक कर दी। इसके साथ आपको बी ब्राइट का फेस वॉश एंड बी ब्राइट का नाइट क्रीम ज़रूर यूज़ करना है। बी नाइट क्रीम की रिव्यू मैं बहुत ही जल्द आप लोगों से शेयर करूँगी। इसमें क्या है आप देख सकते हो, इसके इंग्रेडिएंट जो भी है इसमें है लुमी स्किन, ए स्किन लाइटनिंग एजेंट दैट वर्क्स बोथ ऑन द सरफेस एंड फ्रॉम विदिन। जो हमारे सरफेस एरिया स्किन के सरफेस एरिया है उसमें भी काम करते हैं एंड हमारे स्किन की डेप्थ में जाकर भी काम करती है एंड मेलानिन को, हमारी जो स्किन पिगमेंट होती है मेलानिन, उनको भी रिड्यूस करती है एंड इस तरीके से डार्क स्पॉट को रिमूव करती है, ब्लेमिशेस को रिमूव करती है। एंड इसमें है विटामिन ए सी ई, आप लोगों को पता ही है विटामिन सी हमारे स्किन के लिए कितना काम की है एंड विटामिन ई भी हमारे स्किन को नारिश करती है एंड ये सनस्क्रीन की तरह भी काम करती है एंड हमारे स्किन में जो भी स्किन कलर होती है उसको लाइटनिंग करती है, स्किन को नेचुरल ग्लो देती है हमारी स्किन को एक, एंड हमारी स्किन में जो डार्क स्पॉट होती है उनको रिड्यूस करती है, स्किन टोन को इवन करती है एंड हमारे स्किन में जो भी सन डैमेजेस होती है, सन के कारण जो भी पिगमेंट होती है उनको भी रिमूव करती है एंड एक तरह से कहे तो एक ओरिजिनली नेचुरली एक ग्लो लाती है हमारे स्किन में। फ्रेंड्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो एक्टिचीट का डे क्रीम है, जो हर्बल ब्लेंड है एंड जो नॉर्मल है, वो किस तरीके से हमारे स्किन में काम करती है एंड किस तरीके से काम करने के बाद हमारे स्किन में जो भी पिगमेंटेशन है, जो भी ब्लेमिशेस है, जो भी डार्क स्पॉट है उसको रिमूव करके हमारे स्किन में एक लाइटनिंग ब्राइटनिंग इफेक्ट लाती है एंड हमारी स्किन जो है पहले से फेयर हो जाती है एंड ये आपको दिखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ 15 टू 20 डेज में के अंदर ही मिल जाएगी। अगर आप फेस वॉश, उसके बाद डे क्रीम एंड उसके बाद नाइट क्रीम आप यूज़ करते हो तो। एंड मैं ही इसके साथ एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ, अगर आप स्किन टोनर के हिसाब से, मेरे चैनल में ऑलरेडी एक टोनर है जो कि विटामिन सी सीरम की टोनर है रोज़ वाटर के साथ, अगर आप वो यूज़ करती हो तो इससे और भी ज़्यादा जो रिज़ल्ट है आपको मिलेगी क्योंकि उसमें बहुत सारा विटामिन सी है तो एंड रोज़ वाटर है तो आपको स्किन की जो भी कम्प्लेक्शन है वो और ज़्यादा फेयर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप इन दोनों क्रीम में से जो भी आपकी स्किन में सुइटेबल हो, चाहे हर्बल हो या फिर चाहे नॉर्मल हो, जो भी हो आप यूज़ कीजिए एंड इसका जो भी रिव्यू है मेरे से ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में कि इससे आपको कैसा रिज़ल्ट मिला है एंड आई बिलीव कि इससे आपको सेटिस्फाइड रिज़ल्ट जो है मिलेगी। आप ट्राई करके देखिए, आपकी स्किन में एक इवन टोन हो जाएगी, आपकी पूरी स्किन एक लाइटनिंग ग्लो आपको दिखने को मिल जाएगी। तो मुझे अनेक डाक दिए, अनेक डाक्टर देखिए किसुते भलो है, अनेक क्रीमो मिखे तथे को काज है, तर एम फेस वाश व्यवहार कर फेस वाश डे क्रीम टी नाइट क्रीम टी অনেক দাগ দেখছি, কোনো দিন মাথা পরে আমি বুঝতে পারছি অনেক দাগ হালকা হয়েছে, আশা করা যায় এমন এই ক্রিমে দাগ আমার সব চলে গেছে। তো ফ্রেন্ডস, আজকে ইতনা হি আর মেরা যো ভি রিভিউ হ্যায়
एटीट्यूड भी बाइट की क्रीम की लिए आप ये जरूर ट्राई कीजिए एंड मुझसे शेयर कीजिए अपना जो भी एक्सपीरियंस है एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है एंड ऑल भी स्किन रिलेटेड हेल्थ रिलेटेड हेयर रिलेटेड टिप्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।